अलर्ट जारी किया है और प्रदेश में बढ़ते कोहरे की वजह से कई ट्रेन गिरने की और बारिश होने की संभावना है। इसमें भोपाल, ग्वालियर, चंबल, सागर, रीवा संभाग शामिल है। वहीं दक्षिण हिस्से जैसे इंदौर, होशंगाबाद, जबलपुर और शहडोल संभाग में हल्की बारिश और बूंदाबांदी होने की संभावनाएं बताई जा रही हैं। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ इन दिनों कड़ाके की ठंड की चपेट में है। एमपी में 7 दिन माठवा, बादल और फिर तेज ठंड का दौर जारी रहेगा। 4 जनवरी तक हल्की बारिश और ओले भी गिरने का अनुमान जताया जा रहा है। और अगर सबसे ठंडे इलाकों की बात करें तो अभी ग्वालियर, खजुराहो सबसे ठंडे इलाके बने हुए हैं। और ओलावृष्टि का अलर्ट, वहीं पश्चिमी विक्षोभ की वजह से आने वाले 24 घंटे मध्य प्रदेश के कई इलाकों में हल्की बारिश और ओले पड़ने की भी स्थिति जताई जा रही है। इसके चलते राजधानी सहित तमाम अलग अलग क्षेत्रों में कोहरे के साथ दिन में भी ठंड महसूस करती हुई दिखाई दे रही है। उज्जैन, सागर, रीवा संभाग में हल्की बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट। इंदौर, नर्मदापुरम, जबलपुर, शहडोल में बूंदाबांदी हो सकती है। मवाठा, बादल के बाद तेज ठंड शुरू होगी। मध्य प्रदेश के किन इलाकों में कितना रहा तापमान? शुक्रवार को भोपाल में दिन का तापमान 27.8 डिग्री सेल्सियस रहा। इंदौर में 27.7, जबलपुर में 25.2 डिग्री सेल्सियस रहा। उज्जैन में 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया तापमान। ग्वालियर और खजुराहो सबसे ठंडे रहे। पारा 17.4 से 18.2 डिग्री सेल्सियस तक रहा। नौगांव, सतना समेत 9 शहरों में पारा 25 डिग्री से कम रहा। नौगांव और सतना में 20 डिग्री के आसपास तापमान रहा। टीकमगढ़, पंचमणि, रीवा में तापमान कम रहा। मलाजखंड, नरसिंहपुर, गुना में तापमान कम रहा। रायसेन, सीधी, बैतूल में पारा 26 डिग्री से अधिक रहा। छिंदवाड़ा, उमरिया, सागर में पारा 26 डिग्री से अधिक रहा। धार, सिवनी, रतलाम, मंडला में पारा 26 डिग्री से अधिक रहा। खंडवा और खरगोन में पारा 26 डिग्री से अधिक रहा है। चिकित्सकों द्वारा चेतावनी जारी करी है कि बच्चे और बुजुर्ग गर्म कपड़े पहने ताकि बीमारियों से बचे। साथ ही मॉर्निंग वॉक करने वाले जो लोग हैं उनके लिए भी चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि धूप निकलने के बाद ही लोग मॉर्निंग वॉक पे जाएं। मध्य प्रदेश के किन इलाकों में कितना रहा तापमान? शुक्रवार को भोपाल में दिन का तापमान 27.8 डिग्री सेल्सियस रहा। इंदौर में 27.7, जबलपुर में 25.2 डिग्री सेल्सियस रहा। उज्जैन में 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया तापमान। ग्वालियर और खजुराहो सबसे ठंडे रहे। पारा 17.4 से 18.2 डिग्री सेल्सियस तक रहा। नौगांव, सतना समेत 9 शहरों में पारा 25 डिग्री से कम रहा। नौगांव और सतना में 20 डिग्री के आसपास तापमान रहा। टीकमगढ़, पंचमणि, रीवा में तापमान कम रहा। मलाजखंड, नरसिंहपुर, गुना में तापमान कम रहा। रायसेन, सीधी, बैतूल में पारा 26 डिग्री से अधिक रहा। छिंदवाड़ा, उमरिया, सागर में पारा 26 डिग्री से अधिक रहा। धार, सिवनी, रतलाम, मंडला में पारा 26 डिग्री से अधिक रहा। कई शहरों के पारे में गिरावट महसूस की जा रही है जिसकी वजह से ठंड बढ़ गई है। वहीं पूर्वी हवा और नमी के चलते मध्य प्रदेश के अधिकांश इलाकों में सुबह और शाम को घना कोहरा छाने की स्थिति बनी हुई है। ठंड नहीं बढ़ने का क्या रहा कारण? उत्तर पश्चिमी ठंडी हवा, पूर्व की गर्म हवा आपस में मिलती रही, इसके कारण रात के तापमान में ज्यादा गिरावट नहीं हुई। दिन में घना कुहासा, कोहरा, धुंध छाई रही, इसलिए दिन भी ठंडे रहे। प्रशांत महासागर में अल नीनो अब भी सक्रिय है, जिसके कारण ज्यादा असर दिन में रहा। इससे बादल रहे लेकिन बारिश ज्यादा नहीं हुई। ठंडी उत्तरी और गर्म नम पूर्वी हवाएं आपस में मिलती रही। हवाओं के मिलने से कोहरा होता रहा, इससे दिन का तापमान कम लेकिन रात का तापमान ज्यादा रहा। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में जिसमें मध्य प्रदेश भोपाल, राजधानी भोपाल, होशंगाबाद सहित अलग अलग जिलों के कई ऐसे तापमान है जिस जो 10 डिग्री से भी कम आ चुका है, जिसकी वजह से ठंड महसूस की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़ में नए साल का जश्न फीका पड़ सकता है।
क्योंकि 31 दिसंबर से 2 जनवरी तक भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। सरगुजा और बस्तर संभाग में बादल छाए रहेंगे और 2 दिनों के बाद रात का पारा 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ेगा। हालांकि पश्चिमी विक्षोभ की वजह से आने वाले 7 दिन और भी ठंड बढ़ने की स्थिति है और प्रदेश के कई इलाकों में कोहरे के साथ बारिश और ओले गिर सकते हैं। आशुक चतुर शर्मा, न्यूज 8, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, भोपाल। इधर मध्यप्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को